बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, इंशाल्लाह आज मैं आपको अपना ऑफ़िस टूर करवाऊंगा। इंशाल्लाह मैं अपने ऑफ़िस में आपको लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा ऑफ़िस में क्या है और मैं वहाँ पे क्या क्या हम करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में, अभी मैं नमाज़ पढ़ी, अभी मैं ऑफ़िस की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर जाके इंशाल्लाह मैं आपको अपना ऑफ़िस दिखाऊँगा और अंदर भी लेके जाऊँगा और बताऊँगा हमारा काम क्या है वहाँ पर, क्या क्या मुद्दा करते हैं। तो उस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये पूरा धूप, कड़क धूप निकली हुई है और इतनी गर्मी है कि बस अभी ये जो मैंने जो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को हाथ लगा रहा हूँ ना, कि इतना गर्म है ये, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी गर्मी चल रही है। तो बस अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे ऑफ़िस में इंशाल्लाह। तो ये है मेरा ऑफ़िस, ऑफ़िस की मेरी एंट्रेंस यहाँ से आती है और ये सारी शॉप्स हैं और यहाँ पर मेरा ऑफ़िस है। यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली मेरा सर्विस सेंटर है कॉफ़ी मशीन का और ये है मेरा ऑफ़िस। यहाँ पर मैं अभी अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और आपको इंशाल्लाह ऑफिस में अंदर लेके जाऊंगा। ये है बाहर की ऑफिस का, बाहर का जो पूरी मार्केट है यहाँ पे, ये देखें ये ऐसा है हमारा। और ये मेरा ऑफिस अंदर, अभी मैं ऑफिस लेके जा रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये है मेरा ऑफिस, आप देख सकते हैं। पहले मुझे थोड़ा एसी ऑन करने दें, क्योंकि एसी के बगैर तो आप बैठ नहीं सकते। तो एसी ऑन किया अभी मैंने। तो फ्रेंड्स बेसिकली एक्चुअली मेरा ऑफिस क्या है कि हमारा जो कॉफ़ी मशीन है, जो नेस्कैफे की कॉफ़ी मशीन है, हम वो यहाँ पे सर्विस करते हैं, यहाँ से प्रिपेयर करके हम कस्टमर को भेजते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी कॉफ़ी मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ये सब कस्टमर्स के लिए रेडी की हुई है हमने, और जिस कस्टमर को हमने भेजनी है उसके लिए हमने रेडी की हुई है। तो अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ अपने ऑफिस का एक्चुअली ऑपरेशंस क्या है, यानी हमारा यहाँ पर ऑफिस बेसिकली हम करते क्या हैं। तो अभी मैं आपको वो एक वन बाय वन बताऊँगा, ठीक है। अभी कोई मशीन जब आती है हमारे, कभी भी बाहर से आती है मशीन, तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले मशीन को यहाँ पे रखते हैं और कॉफ़ी मशीन को, एक रूम है यहाँ पे हम रिसीविंग एरिया का, इस पर हम यहाँ पे अपनी कॉफ़ी मशीन को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर मशीन में हमें कुछ पेस होता है, कुछ सर्विस करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पर हम इसको फ्यूमिगेशन करते हैं, यानी फ्यूमिगेशन करते हैं, हमको यहाँ पर स्प्रे वगैरह करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी मशीन अंदर पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हम स्प्रे वगैरह करते हैं ताकि मशीन्स के अंदर अगर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह कुछ पेस्ट है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम मशीन को यहाँ से लेके आते हैं, फिर यहाँ पे वॉश करते हैं। ये वॉशिंग सिंक है हमारे, तो यहाँ पे हम सिंक करते हैं। ये हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे। इस पर मशीन को सर्विस करने के बाद सारे पार्ट्स को हम जब अलग अलग करते हैं, उसके बाद हम इस पार्ट्स को यहाँ पर अलग यहाँ पर रख देते हैं ताकि वो यहाँ पर ड्राई हो जाए। जैसे ये ड्राइंग एरिया है, फिर सब पार्ट्स को हम यहाँ पर ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर हमको यहाँ पे इसको एक दो दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि सब पार्ट्स जो हैं वो ड्राई हो जाएं। ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर ये प्रिपेयरिंग टेबल हमारा होता है, जिस पे हम फिर अपनी मशीन्स को हम दोबारा असम्बल करते हैं और फिर यहाँ पे इसको प्रोग्राम करते हैं और फिर इसको रेडी करते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली होता है हमारे मेरे ऑफिस में। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा हमारा ये जो पूरा फर्स्ट प्रॉपर ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे कॉफ़ी मशीन का, नेस्कैफे का। आप जानते हैं नेस्कैफे तो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। उसके बाद अब ये क्या कहा है कि अगर हमें कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए, मशीन में कुछ लगाना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना मशीन्स का जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स सब कॉफ़ी मशीन के पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। हर कॉफ़ी मशीन का एक अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होता है, तो क्या करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं। इसका प्रॉपर इन्वेंट्री होती है। एक्चुअली आपको बताने का ये है कि कैसे आप हमारी जो मशीन है नेस्कैफे की, जो कंपनी है, वो कैसे इसको और अपने सर्विस सेंटर में ऑपरेशन कर रही है, आप चेक कर सकते हैं। नेस्ले प्रो केकर लिखा हुआ है यहाँ पे, कि पूरा लेआउट हमारे जो सर्विस सेंटर का ये ऐसे है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है जनाब, उसके बाद हमारे पास कॉफ़ी मशीन्स के लिए हमने अलग रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर हम क्या करते हैं अपनी कॉफ़ी मशीन जो रेडी हो जाती है उनको यहाँ पे रख देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉफ़ी मशीन्स ये पड़ी हुई हैं, ये कितनी किस्म की कॉफ़ी मशीन्स हैं हमारे पास, ये चेक करें। यहाँ पे भी कॉफ़ी मशीन्स पड़ी हुई हैं,
ये सब कॉफ़ी मशीन जो है ना हमने रेडी करके यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जब भी किसी कस्टमर को हम देनी होगी तो हम क्या करते हैं यहाँ से मशीन को पैक करके कस्टमर का सब कुछ डिटेल्स वगैरह रख के तो हम इसको कस्टमर के पास भेज देते हैं। तो ये है मेरा पूरा सर्विस सेंटर, एक ही है यहाँ पे शॉप्स है ये वाली सामने, यहाँ पे हमने बेस कैबिनेट या जो मशीन के नीचे कैबिनेट वगैरह हम रखते हैं ये वो रखी हुई यहाँ पे कैबिनेट आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आती है। तो ये सारा इधर हमारा कॉफ़ी मशीन्स के रिलेटेड ऑपरेशन होता है। ये देखें चेक करें कितनी कॉफ़ी मशीन्स हैं। तो अभी अभी तो बहुत ख़त्म हो चुके हैं ये तो अभी ये सब सर्विस करके हमने मशीन्स को रखा हुआ है यहाँ पे। मेरा फ्रेंड्स डेस्कटॉप, मेरा लैपटॉप जहाँ पे मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। एक्चुअली वीकेंड था तो थोड़ा सा सफाई वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह कल जब आएंगे तो इसको सफाई करेंगे। तो ये मेरा सारा टेबल है, इधर मैं बैठ के अपना ऑफिस का काम करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर का ऑपरेशंस देखता हूँ सारा। तो जो भी मेन बेसिकली हमारा जो बिज़नेस है वो कॉफ़ी मशीन्स का है, यानी उसकी सर्विस वगैरह, उसकी रिपेयरिंग वगैरह जो भी आती है हम यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद हम कस्टमर को भेज देते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको मेरा ऑपरेशन ऑफिस जो है वो पसंद आया होगा। अभी मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया आपको तो फिर भी, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ऑफिस, और स्पेशली जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए तो उनको तो बहुत अच्छा लगा होगा। डिफरेंट डिफरेंट की कॉफ़ी मशीन है हमारे पास, मॉडल तकरीबन 7-8 मॉडल की अभी हमारे पास कॉफ़ी मशीन्स हैं। तो आज तो है सैटरडे, एक्चुअली छुट्टी का दिन है तो इसलिए आज थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने कहा चले आपको मैं आज अपना ऑफिस का थोड़ा सा टूर करवा दूँ। तो ये ऐसे ये मेरा टेबल है, तो इधर मैं बैठ कर अपना ऑफिस का काम करता हूँ। तो यही सारी लाइफ है, सुबह हम आते हैं, शाम को चले जाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद फिर चले आ जाते हैं नेक्स्ट डे। फिर फ्राइडे सैटरडे में ऑफ होता है, तो बस वही रेस्ट का दिन होता है हमारे पास। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ऑफिस पसंद आया होगा और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये है जनाब मेरा ऑफिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि कॉफ़ी मशीन्स हम कैसे रेडी करते हैं और कि हमारे पास क्या क्या कॉफ़ी मशीन है, किस किस्म कौन कौन से मॉडल की कॉफ़ी मशीन है। तो इंशाल्लाह किसी को भी तो टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो सब सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया मेरे ऑफिस में क्या क्या हम करते हैं। तो ये है और ये कॉफ़ी मशीन्स हैं। अगर जो ओमान में रहते हैं वो जिनको कॉफ़ी मशीन चाहिए, अगर उनका कोई कमर्शियल उनका कुछ है टाइप एक्टिविटी लाइक वो ऑफिस है उनका या कुछ शॉप्स वगैरह है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम उनको कॉफ़ी मशीन प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो क्या प्रॉब्लम इशू है, जो हमारा बिज़नेस है, एक्चुअली हम कॉफ़ी मशीन जो होते हैं हम फ्री देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को क्या करना पड़ता है कि मंथली हमसे पाउडर जो है इस कॉफ़ी मशीन का वो ख़रीदना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं है। हम सर्विस फ्री देते हैं, सब कुछ फ्री है हमारा, और मेंटेनेंस फ्री है, सब कुछ फ्री है, बस उनको पाउडर खरीदना पड़ता है। तो यानी नेस्कैफे जो है कि कैसे आप देख सकते हैं कैसे बिजनेस कर रहे हैं उनको। तो अगर किसी को कॉफ़ी मशीन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें इंशाल्लाह, तो मैं उसको उनको असिस्ट करूँगा और उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और उनको कॉफ़ी मशीन देने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कुछ भी अगर आपको कॉफ़ी मशीन से रिलेटेड कुछ आपको बात पूछनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।